हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। सो जे क्वेरी सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेवर्जिंग डिसेंडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंसेस्टर मतलब कि जो डॉम ट्री है उसमें ऊपर की साइड हमने ट्रेवर्जन किया था, ट्रेवर्स किया था एलिमेंट को। अब की बार हम डिसेंडेंट्स मतलब कि चाइल्ड एलिमेंट मतलब कि डाउनवर्ड नीचे की साइड हम यहाँ पर ट्रेवर्जिंग करना सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो हम बात करें ट्रेवर्जिंग डिसेंडेंट्स की, तो यहाँ पर देर आर फ्यू मेथड्स, सम मेथड्स इन जेक्वेरी दैट आर यूज टू ट्रेवर्स डाउन द डॉम ट्री, ठीक है, और डिसेंडेंट्स, ठीक है, डॉम ट्री में नीचे की ओर या फिर डिसेंडेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए हम यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं उनका यूज करते हैं। जैसे पहला मेथड यहाँ पर है चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसके नाम से ही पता है चिल्ड्रन। इससे पहले वाले वीडियो में जैसे पेरेंट नाम का मेथड यूज किया था, मतलब कि उसके पेरेंट्स को हम यहाँ पर ट्रेवर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से चिल्ड्रन जो मेथड है ये क्या करेगा कि उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन, यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हमने बात किया था डायरेक्ट पेरेंट, ठीक है, पेरेंट तो और भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट पेरेंट मतलब जस्ट अबव, ठीक है। इसी तरीके से चिल्ड्रन मतलब कि जस्ट बिलो, उसके जो डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, हम ग्रैंड चिल्ड्रन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो अगर डायरेक्ट चिल्ड्रन है उनको हमें फाइंड करना है तो हम चिल्ड्रन नाम के मेथड का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स ऑल द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट चिल्ड्रन को ये रिटर्न करता है। इसी तरीके से फाइंड है, फाइंड नाम का मेथड है, ये क्या करेगा, इट रिटर्न सेलेक्टेड डिसेंडेंट्स एलिमेंट, मतलब कि जो डॉम ट्री में नीचे की साइड जो उसके चिल्ड्रंस हैं, मतलब कह सकते हैं नीचे की साइड हम अगर ट्रेवर्स करें तो उसमें सेलेक्टेड एलिमेंट मतलब कि उसके चिल्ड्रन हमें फाइंड करने हैं, बट जो सेलेक्टेड चिल्ड्रन, लेट्स से हम चाहते हैं कि पी एलिमेंट का कोई चिल्ड्रन है तो उनको फाइंड करें, नॉट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी हम पर्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा हम उसके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन हम फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड मेथड का यूज करते हैं। सो ये सब समझने के लिए अब हम यहाँ पर चलते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पार्ट पे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो पहले वाली कॉड है वीडियो का, पहले वाली वीडियो का कॉड है उसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और उसको यहाँ पर पेस्ट करके इसको सेव कर लूँगा, लेट से मैं डिसेंडेंट्स, ठीक है, descendants.html, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया है और मैं इस वाले कोड को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको भी यहाँ पे लेट से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और यहाँ पर कोड लिखेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये div एलिमेंट है, ये एक पेरेंट एलिमेंट है एक तरीके से। अब इसके हम कुछ चाइल्ड एलिमेंट और ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। सो जैसे मैं चाइल्ड एलिमेंट में लेट से यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं H3 एलिमेंट हेडिंग टैग ले लेता हूँ, ठीक है, दिस इज ए हेडिंग टैग, ठीक है, ये पहला चाइल्ड एलिमेंट होगा डायरेक्ट मतलब कि इसके जस्ट बिलो वाला, ठीक है, ये डायरेक्ट चाइल्ड है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मैं कुछ और चाइल्ड इसका क्रिएट कर लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर UL टैग और UL, ये चाइल्ड, अब UL है जो क्या है, H3 भी इसका चाइल्ड है डायरेक्ट चाइल्ड, UL है वो भी इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो अब UL के अंदर हम दोबारा से कोई एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो वो फिर ग्रैंड चाइल्ड होगा, वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है। सो अब इसके अंदर हम एक li टैग लेट से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम li टैग में भी हम एक यहाँ पर लेट से स्पैन टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और दिस इज ए स्पैन टैग, ठीक है, और इसी तरीके से हम एक और li टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लेट से एक बोल्ड p टैग का यूज कर लेते हैं, दिस इज ए बोल्ड टैग, ठीक है, और हम अब एक इसका चाइल्ड और क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट चाइल्ड। अभी हम देखेंगे H3 और UL है जो डायरेक्ट चाइल्ड है, और इसी तरीके से एक मैं P टैग और यूज कर लेता हूँ, दिस इज ए पैराग्राफ टैग्राफ, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि इसके अगर मैं बात करूँ div टैग है, इसके डायरेक्ट चाइल्ड की बात करें तो H3 UL और P ये डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है, और li हुआ, ये दूसरा li हुआ, ये इसके ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, और स्पैन वगैरह ये सब चाइल्ड है, ठीक है। हम डायरेक्ट चाइल्ड की बात करेंगे तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे चिल्ड्रन नाम के फंक्शन की, वो यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट चाइल्ड को गेट करने के काम में आएगा। हम यहाँ पर इनकी
क्लास भी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं आईडी भी, ताकि वो हाईलाइट आपको हो जाए यहाँ पे। यूएल और एलआई टैग है इसके लिए भी, हम यहाँ पर लेट से आईडी एलआई यूज कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर क्लास बनाई हुई है इन सब के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यू के लिए, यूएल के लिए, एलआई के लिए हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई। ठीक है, इसको भी मैं सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ तक का अभी हमने यहाँ पर सिर्फ कोड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अभी जावा स्क्रिप्ट का हमने कोई कोड नहीं लिखा है। मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा जो रेड वाला है ये ड्यू टैग है, इसके अंदर ये डायरेक्ट चाइल्ड है, फिर ये यू एल है वो डायरेक्ट चाइल्ड है, और ये पी है जो डायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट चाइल्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट चाइल्ड अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन नाम के मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कौन से एलिमेंट के हम चाइल्ड एलिमेंट या चाइल्ड हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लेट से यहाँ पे ड्यू टैग का चाइल्ड हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, ड्यू डॉट, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फंक्शन का चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन नाम का फंक्शन यूज करेंगे मेथड। अब ये क्या करेगा, ये इसके डायरेक्ट चाइल्ड को रिटर्न करेगा। तो अब हम ये रिटर्न तो कर देगा, अब उस पर हम सी एस एस अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि इसने, हम देख सकते हैं क्लियरली कि कौन सा चिल्ड्रन है, वो ही इसने जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो ही रिटर्न किया गया। तो इस पे हम यहाँ पर सी एस एस अप्लाई कर देंगे। लेट से सी एस एस में हम क्या करेंगे, बॉर्डर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, और बॉर्डर हम क्या लगाना चाहते हैं, लेट से मैं यहाँ पर बॉर्डर लगाता हूँ डॉटेड। ठीक है, अभी सॉलिड बॉर्डर है तो हम डॉटेड कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कि वो चाइल्ड को डॉटेड कर देगा। ठीक है, डॉटेड 2 पिक्सल, और लेट से मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लियरली दिखेगा वो। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ड्यू टैग के चिल्ड्रन, डायरेक्ट चिल्ड्रन को रिटर्न करेगा, और उनको हम देखने के लिए हमने सी एस एस उसका चेंज कर दिया है, डॉटेड 2 पिक्सल और ब्लैक। ठीक है, ये बॉर्डर हमने चेंज किया। तो मैं जैसे ही इस पेज पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो इस पे जो जे क्वेरी है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें एक चेंजेज आपको यहाँ देख सकते हैं, तो अभी इसमें कोई चेंजेज यहाँ पर नहीं आ रहे। तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर चेंजेज क्यों नहीं आ रहे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखे, हम div डॉट चिल्ड्रन सी एस एस बॉर्डर पर इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर डॉटेड आ गया। तो आप देख सकते हैं हमने बात किया था हेडिंग टैग है और यू एल टैग है और पी टैग है, ये इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है। तो डायरेक्ट चिल्ड्रन है तो इनको इसने डॉटेड कर दिया है। ठीक है, 2 पिक्सल में, तो ये मतलब कि डायरेक्ट चिल्ड्रन को यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चिल्ड्रन में भी हम यहाँ पर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अभी तो सारे डायरेक्ट चिल्ड्रन को रिटर्न कर देगा, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्ट चिल्ड्रन को ही हम रिटर्न करना चाहें, सबको ना रिटर्न करना चाहें, तो हम यहाँ पर भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट से हम चाहते हैं कि जो पी एलिमेंट है, डायरेक्ट चिल्ड्रन तो है बट सबको नहीं, सिर्फ पी टैग है वो जो डायरेक्ट चिल्ड्रन हो तो उनको रिटर्न करें, तो हम यहाँ पर वो भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं पी पास कर दूंगा, मतलब कि अब ये पैराग्राफ एलिमेंट को ही यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ डायरेक्ट टैग है, उसमें पी एक ही टैग है, तो उसको इसने यहाँ पर चेंज कर दिया सी एस एस। तो इस तरीके से हम इसमें फंक्शन भी पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम बात करें अगर नेक्स्ट मेथड की, जो है यहाँ पर फाइंड। ठीक है, तो फाइंड मेथड को हम क्या करेंगे, अब जैसे फाइंड मेथड है तो अब फाइंड में इसके नीचे, अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट हो, डायरेक्ट चाइल्ड हो, डायरेक्ट चाइल्ड हो या इनडायरेक्ट चाइल्ड हो, मतलब ग्रैंड चाइल्ड हो, कोई भी चाइल्ड हो, उसको ये रिटर्न करेगा, बट उनमें से आपको फाइंड करना है। लेट्स से हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर स्पैन, या फिर हम बात कर दें एल आई की। ठीक है, एल आई अब यहाँ पर डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, तो अब इस केस में हमको चाइल्ड फाइंड करने है, तो हम फाइंड मेथड का यूज़ करके उसमें पैरामीटर पास करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, आप देख सकते हैं एल आई यहाँ पे दो टैग हैं, तो ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है बट ये इसके ग्रैंड चाइल्ड तो हैं, तो इनको रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पर फाइंड टैग का यूज़ करते हैं, सॉरी फाइंड मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप कुछ भी पास कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसे मैं लेट से यहाँ पे मैं स्पैन पास करूँगा, तो ये जो इसका चाइल्ड में, मतलब कि डॉम ट्री में नीचे की साइड सर्च करेगा, उसको जहाँ पर भी स्पैन टैग मिलेगा उसको ये डॉटेड कर देगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये स्पैन टैग था तो ये डॉटेड कर दिया इसने। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चिल्ड्रंस मेथड का यूज़ करके डायरेक्ट उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन को, सारे डायरेक्ट चिल्ड्रन को हम फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड मेथड का यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर जो भी उसके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो इसमें हमने यहाँ पर, आपने देखा कि हमने यहाँ पर समझा हुआ है डायरेक्टली, कि यहाँ पर अच्छे से हमने समझा है कि
यहाँ पर चिल्ड्रन मेथड क्या करता है और फाइंड मेथड क्या करता है, और हम मतलब कि डॉम ट्री में डिसेंडेंट्स को मतलब कि नीचे की साइड हम कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा आपको। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर अपलोड की हुई हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।